Protein sequencing is the practical process of determining the amino acid sequence of all or part of a protein or peptide. प्रोटीन सीक्वेंसिंग एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रोटीन की अमीनो एसिड की क्या सीक्वेंस होगी, किस सीक्वेंस में वो अमीनो एसिड जुड़े हुए होएगी, उस प्रोसेस को डिटरमाइन करने के लिए प्रोटीन सीक्वेंसिंग का यूज़ करते हैं। दिस मे सर्व टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन और करेक्टिसाइज इट्स पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इससे हम प्रोटीन के बारे में पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई उसके सीक्वेंस में, उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। टिपिकली पार्शियल सीक्वेंसिंग ऑफ ए प्रोटीन प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप पार्शियल भी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं प्रोटीन की तो आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन उससे प्रोवाइड हो जाती है वन और मोर सीक्वेंस टैग्स का यूज़ करके। टू आइडेंटिफाई विद रिस्पेक्ट रेफरेंस टू डाटाबेसिस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस। इससे हम एक और एक से ज़्यादा रेफरेंस डाटाबेस पे प्रोटीन सीक्वेंसेस ड्राइव्ड कर सकते हैं फ्रॉम द कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ जीन्स। तो गाइस ये था प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में। दो मेजर टेक्निक रहती है हमारे पास प्रोटीन को सीक्वेंस करने के लिए। उनके अंदर जो एक टेक्निक है वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री और एडमन डिग्रेडेशन यूजिंग ए प्रोटीन सिक्वेंटर, जिसको हम बोलते हैं सिक्वेंसर। मास स्पेक्ट्रोमीट्री मेथड्स आर नाउ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर प्रोटीन सिक्वेंसिंग आइडेंटिफिकेशन, बट एडमन डिग्रेडेशन रिमेन्स ए वैल्यूएबल टूल फॉर कैरेक्टराइजिंग ए प्रोटीन। एंड टर्मिनल कोई भी प्रोटीन होगा तो इसको कैरेक्टराइज करने के लिए हम अभी भी एंड टर्मिनल का यूज़ करते हैं। थैंक यू।